Good morning, sir. I had one question. I've been following your social media and I wanted to know how you maintain such long-term and strong relationships with everyone in this industry. You see, when I came to the industry, from Delhi, then Pune, FTI, so I didn't know in this industry any studio or office chapadasi. I didn't know any accountant, I didn't know any producer, director. I left the story of writer. I left the acting ka diploma in my hand, but there was nothing else. Talent was in me. ये बात तो सही है, लेकिन मैंने ये सीखा जिंदगी में कि हमारी दुनिया में या किसी भी इंडस्ट्री में और खासकर मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, टैलेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को अगर आप समझें तो वो तीन तरह का रिलेशनशिप होता है। पहला रिलेशनशिप है आपका फैमिली का, ब्लड रिलेशनशिप, जिसकी अपने ही फ़ायदे हैं, अपने ही नुकसान हैं, अपने ही प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट हैं। वो आप खुद हैंडल कर लेते हैं, जो आपको जैसे आपका ब्रॉटअप हुआ है, माँ बाप ने सिखाया है। और दूसरा होता है वर्ल्डली रिलेशनशिप, जब आप गली से बाहर निकलते हैं घर से, तो दुनिया से कैसे आप बिहेव करते हैं, वो जो आपका घर का कल्चर है उसका रिफ्लेक्शन उस दुनिया के साथ, जैसे आप लोगों से बात करते हैं, रिक्शा वाले से बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, अजनबियों से मिलते हैं, रिलेशनशिप कॉलेज में हैं आप, स्कूल में हैं, तो ये बाहर की दुनिया है, इनसे आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं और आप अपने टर्म्स में बनाते हैं, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन जो है आपका घर में है, तो ये आपकी अपनी टर्म्स में है। यू डोंट लाइक एनीबडी, यू डोंट टॉक टू हिम, यू लाइक ए पर्सन, यू टॉक टू हिम, ये रिलेशनशिप हो गया, डजंट बॉदर। और एक होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये दुनिया जो है जिसमें मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ, इसमें मैं अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करूं, जहां मैं लाइकेबल हूं या मैं वाइबल हूं, जहां मेरी रिस्पेक्ट है, मुझसे प्यार भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मुझे इस बात का गुमान है आज अपनी सक्सेस से ज़्यादा, ये नहीं कि मैंने फिल्में बनाई और इतना बड़ा प्रोफाइल बनाया, इतना बड़ा मिसलिंग बुट बनाया, मुझे इस बात का गुमान है कि रिलेशनशिप मेरे जितने पुराने दोस्त थे, पुराने लोग थे, दोस्त जो नहीं भी थे उनके साथ भी मेरा रिलेशनशिप आ जाए। आज से 50 साल पहले काम किया हुआ जो बंदा मेरे साथ कुलीग में मिलता है तो बड़े प्यार से मिलते हैं। हमारे मुक्ता आर्ट्स में 40-40, 50-50 साल से काम कर रहे हैं लोग, आज भी हैं, उसकी क्या वजह है? वो भी पगार लेते हैं, पैसा लेते हैं, हर प्रोफेशनल ने पैसा लिया, मैंने भी पैसा लिया, जो प्रोफेशन चलता है। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि जब मैं किसी प्रोफेशन में जाता हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो काम आती हैं। इसी एक प्रोफेशन होता है जिसमें कि आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, यू आर मेंबर ऑफ द नेटवर्क, तो उसमें उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, सुबह 9 बजे जाते हैं, 5 बजे वापस आ जाते हैं। वो एक टेक्निकली मैकेनिकल रिलेशनशिप थ्रू आउट रहता है, आप अपना काम कीजिए, अच्छा आपको पगार मिलती रहेगी, आपको किसी से बहुत ज़्यादा बुरा या फ्लक्चुएट होने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट पीपल एंड गो होम। और एक होता है काम का स्पेस, वर्क स्पेस, जहाँ सेंसिटिव होता है, जहाँ पर जिसको बोलते हैं कि मार्केटिंग आती है, जिसमें PR आता है, जिसमें कि आप प्रभाव करते हैं एज ए इंडिविजुअल उनको, तो जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसके अंदर उसकी बहुत ज़रूरत है कि वेन एवर यू मीट पीपल, पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। वाई? बिकॉज यू हैव एन एक्स्ट्रा क्वालिटी ऑफ attracting people with your goodness, with your good nature, with your good communication. आप जब किसी को हेलो बोलते हैं वहीं पर वो आदमी डिसाइड कर रहा है कि इससे बात करनी है या नहीं करनी है। ये चीज़ प्रोफेशन में बहुत काम आती है। तो मैं जब नया आया तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि हाउ टू विन द पीपल, एंड आई न्यू इन टू विन द पीपल इज ओनली दैट आई हैव टू बी वेरी लाइकेबल, आई हैव टू अप्रिशिएट देम, आई हैव टू रिस्पेक्ट देम। मैं जजमेंटल नहीं हो सकता कि आप अच्छे हैं या आप खराब हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, झूठ लगता है, लेकिन अंदर से तो सभी अपनी तरफ से अच्छे हैं, वो आपके हिसाब से अच्छे नहीं ना, अपने हिसाब से तो वो अच्छे हैं। तो जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि हर इंसान अच्छा है, बुरे से बुरा इंसान भी वो अच्छा हो जाता है, जब आप ये समझते हैं कि मेरी जजमेंट बोलती है कि ही इज़ ए बैड मैन और इज़ नॉट अ राइट मैन, तो वो अच्छा भी होगा तो बुरा बन जाएगा। So this is how you develop a relationship with the people.
दूर का हो, नज़दीक का हो, काम का हो, ना काम का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप जहाँ जाते हैं उस रिलेशनशिप की एक अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं, एक वाइब्रेशन देते हैं आप उसको दूसरे को। जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं, आप ये मत सोचिए कि जो आपने छोड़ा मैंने तो काम का नहीं है, अभी क्या होगा, जाने दो इसको, ही इज़ नॉट वर्थ। वही आदमी 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आपके फ़ायदे में आ सकता है, आपके उस क्राइसिस में काम कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, जो आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। और मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हुई कि जो से बहुत से पुराने पुराने दोस्तों से, जिनसे मैं थोड़ी देर ही रहा, 2 महीने रहा, 4 महीने रहा, 6 महीने रहा, उन्होंने 10 साल बाद मेरे क्राइसिस में वो सामने खड़े थे और मुझे सपोर्ट कर रहे थे, नहीं सुभाष इज़ अ गुड पर्सन, वी हैव टू सपोर्ट हिम। सो व्हाट यू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन स्ट्रेंजर्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू मेक एन एफर्ट एंड ट्राई टू बी टू गुड टू डन। बी रियल, बी नेचुरल, बी स्वीट। उसमें कुछ पैसे नहीं लगते, आपको लाइक ही तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि नहीं मैं तो भाई कट टू कट हूँ, मुझको ये पसंद है, ये पसंद नहीं। वहाँ से आपकी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप का जो इंटेंसिटी है, ये क्वालिफिकेशन है, वो आस्ते आस्ते कम होती चली जाती है। ये घर में कर सकते हैं आप, दुनिया में भी कर सकते हैं आप, लेकिन प्रोफेशन में नहीं कर सकते। और ख़ासकर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जहाँ एवरीबॉडी इज़ ए क्रिएटिव पर्सन, एवरीबॉडी इज़ ए सपोर्टर ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, एवरीबॉडी इज़ वेरी सेंसिटिव, ये मैकेनिकल कॉरपोरेट कंपनी की तरह नहीं काम कर सकते। आपकी एक स्माइल भी उसके लिए बहुत बड़ी काम कर सकती है, चाहे वो लिफ्ट मैन हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो छोटा आदमी हो या क्लर्क हो, आपका मेकअप मैन है, स्पॉट बॉय है, लाइट मैन है, योर वन स्माइल कैन वंडर ए लॉट ऑफ थिंग्स। आपने उसको स्माइल दिया और हेलो कहा, तो आपके ऊपर जो कैमरा मैन का जो लाइट मैन है, वो भी जब लाइट करेगा तो ये करेगा कि मैडम अच्छी लगनी चाहिए, वो अपने तरह दिल से लाइट को इस तरह से आपके ऊपर फेस पे लगाएगा, इवन यू डू नॉट नो कि मेरे ऊपर लाइट अच्छी थी इसलिए मैं अच्छी लग रही थी। आप समझते हैं मैंने मेकअप किया इसलिए अच्छी लग रही, नहीं, आपको पता नहीं है कि और भी चीज़ें बहुत सी हैं अराउंड यू, पीपल आर लाइकिंग यू एंड दे आर सपोर्टिंग यू, एंड दिस इज़ वॉट आई वर्कड फॉर इट। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है आर्टिस्ट के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी, और प्रोफेशनल के लिए भी, दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट of every kind of person, you must love every kind of a person, don't go for the small tiffles ki ye relationship love affair mein badal gaya ya ladai ho gayi jhagde honge, wo to chalta hai, aapka ek dil mein bachcha hai, wo harkatein karta rahega, but the matured man in you will always see that even I depart with love, I depart with a good feel। ek company ko chhodte hue main kisi ko hurt to nahi kiya, kisi ko maine dushman to nahi banaya, वो इम्पॉर्टेंट बात है। आप हमेशा एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएंगे, पहले मैं एक्टर था, फिर राइटर बना, डायरेक्टर बना, प्रोड्यूसर बना, कॉरपोरेट बना, फिर विस्लिंगवुड आया, लेकिन ये सब जो चीज़ें बनी, ये मैं समझता हूँ कि मेरे रिलेशनशिप की वजह से बनी। आज अगर हम विस्लिंगवुड्स की बात करें तो विस्लिंगवुड जो है वो इंडस्ट्री चलाती है, मैंने इनिशिएट किया है, मैंने पैसा लगाया है, मैंने विजन दिया है, लेकिन सपोर्ट किसका था, पूरी इंडस्ट्री का था। जो फिल्म मेकर मेरे साथ काम भी नहीं करते थे, शाम भी निकलते, या शबाना आजमी थी, जया भादरी थी, या बहुत से लोग थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया मेरे को, उन्होंने कोर्सेज बनाए। आज भी इंडस्ट्री में हमारे दो तीन मास्टर क्लासेस होती हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं ना आपके पास भी, किस लिए आते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में अंदर, वो मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरी टीम से, मेरी फैकल्टी से। जब वो मोहब्बत करते हैं, अपना काम छोड़ के 4 घंटे यहाँ मिसलिंग वुड्स में आके मास्टर क्लास लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, फिफ्थ एदा आपने देखा है, इफ़ यू आर ऑन द सेट एज एन एक्टर और एज ए म्यूजिशियन और सिंगर, अगर आपको वो लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, चाहते नहीं हैं, दिल में उनकी अच्छी भावना नहीं है आपके लिए, तो आपका काम कैसे अच्छा होगा। आप कितने भी बड़े स्टार हों, कितने भी बड़े सक्सेसफुल हों, आपका स्वभाव जो है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा उसे। इसलिए अगर आप देखो, अभी पिछले हफ्ते ही जब मेरा बर्थडे था, तो मैं खुद हैरान हुआ कि जितने मेरे पुराने दोस्त थे, 50 साल पुराना दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा भी वहाँ था, 30 साल पुराना दोस्त मेरा अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ भी वहाँ थे, सलमान खान साहब भी वहाँ थे, ऐश्वर्या राय भी वहाँ थी, अभिषेक बच्चन भी वहाँ थे, और मेरे नए दोस्त जैसे मिजान, ये लोग भी वहीं थे, राकेश रोशन भी था वहाँ पर। इनके दिल में मेरे लिए प्यार है,
और ये प्यार ही मैंने जो कमाया है वही मेरी कमाई है। अगर आज लोग सब बात करते हैं तो मेरे फ्लॉप या हिट के ऊपर बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि सुभाष जी को हम चाहते हैं, उनकी काम की वजह से भी, उनके स्वभाव की वजह से भी, और मैं भी उनको दिल से ही चाहता रहूं। तो मैं अपने तजुर्बे से, इतने साल के तजुर्बे से बोल सकता हूं कि इफ़ यू आर ए गुड टैलेंटेड पर्सन, रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ टू विन द पीपल्स हार्ट। लेकिन जब तक आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगे, जब तक आप उनको प्यार नहीं देंगे आपको प्यार नहीं मिलेगा, जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके क्राइसिस में उनको फ़ोन नहीं करेंगे, उनकी बीमारी में उनको हालचाल नहीं पूछेंगे, आउट ऑफ ब्लू पूछेंगे, अरे मैंने सुना तुम बीमार हैं, अपने 6 साल बाद उसको फ़ोन किया, उसको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये हमको डेवलप करना पड़ता है अपना नेचर। जब ये नेचर डेवलप करते हैं तो आपको सब प्रोफेशनल के जितने लोग हैं वो आपका आदर करते हैं और आपके क्राइसिस में आपके साथ खड़े रहते हैं। जब भी आपका बुरा टाइम होगा वो खड़े होंगे, बिकॉज दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इंडस्ट्री। नेवर एवर लेट गो योर ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद द पीपल एट एनी कॉस्ट, इवन द कॉस्ट ऑफ योर सेक्रीफाइस, इवन द कॉस्ट दैट यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू राइज एज एन आर्टिस्ट। अब आप देखिए कि एक मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मुगल जिनका नाम सुभाष चंद्र है, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया मेरे बर्थडे पे कि वो पगड़ी पहन कर आए और अपनी पगड़ी जो है वो मेरे सिर पे डाल दी कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं। ये कितना बड़ा प्रेम था, अथाह प्रेम। इससे बड़ा सम्मान मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि मुझे ऑस्कर मिला है। मेरे दोस्त, मेरे नए एक्टर जो हम थे जिन्होंने कांची में काम किया था, कार्तिक आर्यन, उन्होंने तो कभी परवाह नहीं की भाई हमारी पिक्चर फ्लॉप हुई तो नहीं आना चाहिए, वो भी आए और ख़ुद ही आए, शूटिंग छोड़ के आए। अनीस बाजमी साहब आए क्योंकि हिट पिक्चर हो गई, जया बच्चन जी आए, सोचो आप, जो कि मेरी FTI के दोस्त हैं, आज भी वो मुझे सीनियर की तरह रिस्पेक्ट करती हैं, उसी तरह से वो बातें करती हैं जैसे कि हम पुराने स्कूल के दोस्त हैं। इससे बड़ा ही भावना, इससे बड़ा प्रसन्नता और व्यक्तित्व और अस्तित्व, जो भी आप कह लीजिए जीवन का, वो क्या हो सकता है। अभिषेक ने कभी काम नहीं किया मेरे साथ, फिर भी मुझे जब भी मिलता है उसके चेहरे पे, उसके दिल में प्रेम है, मैं देखता हूँ। परिवार वाले तो करते ही हैं, जो दोस्त हैं रेगुलर वो तो करते ही, वो तो होते ही, वो भी आए, उनसे तो अपेक्षा नहीं, लेकिन जिनसे अपेक्षा नहीं होती है वो भी जब आते हैं, देन यू आर विनिंग द पोस्ट। इट मीन्स यू हैव डन समथिंग नाइस अबाउट लाइफ। खाली काम आना या काम में निपुण होना ही सब ठीक नहीं, तकदीर आपका साथ देती है, टैलेंट भी आपका साथ देते हैं। आप कब साथ देते हैं अपना, जब आप लोगों के साथ अच्छे होते हैं, जब लोगों से आप प्यार करते हैं और बिना शर्त के प्यार करते हैं। गिव एंड टेक तो कॉरपोरेट करते हैं, गिव एंड टेक तो एक प्रैक्टिकल बंदा करते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठो, मैं ये कहता हूँ, प्रेम करो मत, प्रेम बन जाओ।